ईमानदारी के साथ ओबीसी को आरक्षण देना चाहती है। देखिए, कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के द्वारा पहले न्यायालय में जाकर और पंचायत के चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण पर रोक लगवाई, विवेक तनखा जी को भेजा गया, 5 बार पहले हाईकोर्ट में रिट लगाई, 2 बार सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई और जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया तो विवेक तनखा जी ने ये तर्क दिए कि महाराष्ट्र में गौली केस में इस तरह का आदेश आया है। तनखा जी के तर्कों के आधार पर उनके द्वारा जो बात रखी गई उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने का काम किया है और अब कांग्रेस पार्टी एक बात कर रही, दोहरा चरित्र कांग्रेस का हम लोगों को देखने मिल रहा है। जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस के ओबीसी वर्ग के लोग पुतले जला रहे तब कांग्रेस के लोगों को लग रहा है कि इस मुद्दे पर अब हम जनता के बीच में जा नहीं सकते और इसलिए अब दोहरा चरित्र जनता को भ्रमित करने की कोशिश कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब गुजरात में ओबीसी को आरक्षण के आधार पर चुनाव हो रहे हैं, गुजरात में ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, तो फिर हमारे मध्य प्रदेश में ओबीसी को आरक्षण पर रोक क्यों लगाई गई? और इसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, जो पहले दिन से इस बात का प्रयास कर रही थी कि किसी भी तरह से ओबीसी को आरक्षण 27% ना मिले। हमारी सरकार ईमानदारी के साथ ओबीसी को आरक्षण देना चाहती है, इसलिए हम लोगों ने पंचायतों में नगरीय निकाय में ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया है। इसके साथ साथ हमने सरकारी नौकरियों में भी ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। जिन 3 विषय में उच्च न्यायालय का स्टे है उनको छोड़कर बाकी में हम ओबीसी को 27% आरक्षण दे रहे हैं और ये आज का राजपत्र का नोटिफिकेशन है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो पीएससी की परीक्षा है 24 अप्रैल से, इसमें राज्य सरकार ने 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इससे स्पष्ट है 300 पदों पर भर्तियां होंगी और 27% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग को ना केवल पंचायतों में आरक्षण देना चाहती या दे रही है, नगरीय निकायों में दे रही है और इसके साथ साथ शासकीय नौकरियों में भी हम 27% आरक्षण दे रहे हैं और पीएससी का आज का ये नोटिफिकेशन हुआ है जिस पे कांग्रेस ने रोक लगा दी थी, उसमें अब हम 27% आरक्षण दे रहे हैं।